कांग्रेस विधायक जुबैर खान का निधन हो चुका है। अलवर के रामगढ़ से विधायक थे कांग्रेस के विधायक जुबैर खान का निधन हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अलवर से। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आ रही है, अलवर के रामगढ़ से विधायक थे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस विधायक जुबैर खान का जो है निधन हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, अलवर के रामगढ़ से विधायक थे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जुबैर खान जो कि कांग्रेस के विधायक थे, 1 अगस्त 1963 को ये पैदा हुए और आपको बता रहे हैं जिनका अब निधन हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं जुबैर खान। 2003 से 2008 तक की ये बात बता रहे हैं। एनएसयूआई के बैनर पर 2 बार जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीतिक जो पकड़ है वो अच्छी खासी इनकी रही है। राजनीति से करियर अपना शुरू किया जुबैर खान ने, लेकिन अब ये खबर है रामगढ़ से विधायक कांग्रेस के जुबैर खान जिनका निधन हो गया है। उपचुनाव होने वाले हैं, उसके पहले जुबैर खान का जाना कांग्रेस के लिए ये क्षतिपूर्ण है, ये बड़ा लॉस मान सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएलए जुबैर खान का निधन हो गया। 1.5 साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था उनका, ये भी आपको बताया जा रहा है, और 15 दिन पहले डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था। अलवर के रामगढ़ राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव जुबैर खान का शनिवार, ये बताया जा रहा है कि आज ये खबर ये ब्रेक की है न्यूज 18 राजस्थान ने। अंतिम सांस अलवर शहर के निकट ढाई पेड़ी पर खुद के फार्म हाउस पर उन्होंने लिया। पिछले 3 दिनों से लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, यानी स्वास्थ्य उनका दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा था। करीब 15 दिन पहले ही डॉक्टर्स उन्हें जवाब दे चुके हैं। 1 अगस्त 1963 को जुबैर खान का जन्म हुआ, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कांग्रेस के लिए ये बड़ा लॉस, एक अच्छे खासे नेता जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजनीति से की, जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल में कॉलेज में छात्र संघ के नेता भी रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, बहुत ही दुखद खबर, कांग्रेस के विधायक जुबैर खान का निधन हो गया, क्या कुछ जानकारी, लंबे समय से क्या ये बीमार चल रहे थे? नितिन, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी, रामगढ़ के जो विधायक हैं जुबैर खान, उनका आज सुबह 5:50 पर निधन हो गया था और काफी दिनों से वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अभी तीन दिन पहले ही डॉक्टर उन्होंने जवाब दे दिया था। जवाब देने के बाद में क्या है कि उनका जो ढाई पेड़ी पे जो फार्म हाउस है वहां पर वो थे और आज उनका सुबह निधन हो गया। और उन्होंने अभी 1 साल पहले ही जो लीवर ट्रांसप्लांट कराया था उसके बाद से ही वो उनकी जो लगातार जो तबीयत थी वो नाजुक थी, उसके बाद से आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। कितना बड़ा लॉस ये मान सकते हैं नितिन, जुबैर खान का यूं अचानक जाना? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है जुबैर खान जो राजनीति में काफी अच्छे वो थे और ऊपर भी एनएसयूआई में भी वो कर रहे हैं और साथ में इसके अलावा उनका ऊपर जो कांग्रेस पार्टी जो है ऊपर तक पकड़ उनकी अच्छी है, उसके बावजूद एक अच्छे कद के नेता वो माने जाते हैं और लगातार वो यहाँ रामगढ़ से विधायक भी रहे हैं और वर्तमान में विधायक भी थे। उससे पहले उनकी पत्नी भी क्या बोलते हैं यहाँ से साफिया जुबैर खान जो है यहाँ से पत्नी जो विधायक रही है, उसके बाद से लगातार जो है अभी इनका कुछ स्वास्थ्य खराब चल रहा था और उसके बाद से आज इन्होंने अंतिम सांस लिया। नहीं, 1 या 1.5 साल पहले जो उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट कराया था, क्या उसका ही इफेक्ट इनके हेल्थ पे पड़ा? अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? जी बिल्कुल, जैसे ही इन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट कराया था उसके बाद से ही लगातार वो चुनाव में और लगातार वो विधानसभा में आते जाते रहे हैं। उसके बाद से ही लगातार उनकी जो तबीयत है, उनको डॉक्टरों ने मना भी किया था कि आप ज्यादातर आप कहीं भी नहीं जाए, आप अपना रेस्ट करें, आराम करें, लेकिन उसके बाद भी उनका जो है आवागमन लगातार बना हुआ था। उसके बाद से लगातार उनकी जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिरावट होता चला गया। उसके बाद से ही उसके बाद इनको क्या बोलते डॉक्टर ने
को दिखाया गया था, उसके बाद से ये लगातार बीमार चल रहे थे और बीमार चलने के बाद में अभी जैसे ही इनको भर्ती कराया था उसके बाद से उन्होंने उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप इनका जो है बिल्कुल आप आराम घर पे रेस्ट करिए। लेकिन अब 3 दिन से लगातार उनको भी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद इन्होंने आज अंतिम सांस ली। नितिन, खुद के ही फार्म हाउस पर उन्होंने अंतिम सांस ली, परिवारजनों का क्या कहना है, आपकी कोई बातचीत हो पाई हो? नहीं, अभी तो परिवार से बात नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी जो पत्नी है साफिया जुबेर खान, उन्होंने फेसबुक पे अपने जो फेसबुक का जो उनका है अकाउंट, उससे उन्होंने क्या बोलते जानकारी लोगों को दी है कि उनके पति जो है साफिया जुबेर खान का निधन हो गया है। नितिन, क्योंकि 62 साल की उम्र में जुबैर खान का निधन हुआ, किस तरह से इनका करियर रहा है, राजनीतिक सफर कैसा रहा है, जनता से व्यवहार कैसा रहा इनका? जी बिल्कुल, इनका जो व्यवहार था वो काफी अच्छा था और ये अपने विधानसभा में जाते थे, लोगों से मिलते थे, आते थे और हर तरह के सुख दुख में लोगों के पास में जाते थे। और अभी वर्तमान में ये रामगढ़ से विधायक भी हैं और अभी जैसे इनकी धीरे धीरे जैसे तबीयत खराब हुई थी उसके बाद से इन्होंने कहा है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में भी आना जाना कम कर दिया था और ये आराम रेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या है कि जो स्वास्थ्य पे गिरावट जो देखी गई थी उसके बाद से ही लगातार क्या है कि इन्होंने आना जाना अपने विधानसभा में कम कर दिया था, लोगों से मिलना कम कर दिया था, उसके बाद में इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया था। कोई ऐसा हर इनके इंसान में कोई ना कोई एक व्यवहार या एक क्वालिटी ऐसी होती है जिसके बारे में चर्चा की जाती है, जुबैर खान के बारे में ऐसा क्या था नितिन जिसके बारे में चर्चा होती थी अगर वो आते थे, या विपक्ष से उनका कैसा रवैया रहता था? नहीं बिल्कुल, जुबैर खान जो है एक अच्छे पार्टी के जो है एक अच्छे वो थे, नेता थे और साथ में और जो ऊपर की अगर बात की जाए पार्टी के ऊपर के जो भी नेता है उन सबों से मिलन उनका मिलन सार बहुत अच्छा था और साथ में अपनी विधानसभा के लोगों को भी साथ लेकर चलते थे, उनके काम भी करते थे, अपनी विधानसभा में जाते थे आते थे। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर लोगों से अपने फार्म हाउस पे भी मिलते थे और लोगों के क्या है कि आना जाना भी उनका लगा रहता था, लेकिन अब जैसे ही लोगों को पता लगा कि भाई इस तरह से उनकी तबीयत खराब है तो उसके बाद से लोग उनके फार्म हाउस पे ही केवल पहुंचने लग गए थे। 3 दिन से लोगों का आना जाना वहां पर लगा हुआ था और उसके बाद से ही लगातार जो है आज सुबह 5:30 बजे उनकी पत्नी के फेसबुक अकाउंट से जानकारी मिली कि आज उनका निधन हो गया है। नितिन, प्रियंका गांधी की टीम के भी वो अहम सदस्य थे, जाहिर सी बात है कि काफी नजदीकी उनकी रही पार्टी के लिए, लगातार उन्होंने काम किया तभी वो विधायक चुने गए और आम जनता से उनका खास लगाव रहा होगा। अभी जो है कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा गया, कोई बयान सामने आया, किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? अभी तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह है कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है लोग उनके निवास में पहुंचना शुरू हो गए हैं और अभी जैसे लोगों को पता लगा कि भाई इस तरह से उनका निधन हो गया है तो लोग उनके निवास में पहुंचे और वहां पर जानकारी जुटा रहे हैं। इसके अलावा उनका जो रवैया था वो काफी अच्छा था लोगों के प्रति और वो कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे नेता भी हुआ थे। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी क्षतिपूर्ण घड़ी है उनके पूरे परिवार के लिए नितिन, क्योंकि सुबह का सूरज लोगों के घर में किरणें बिखेरता है, लेकिन आज जुबैर खान के घर में किस तरह का माहौल होगा शब्दों के जरिए उसको बयान नहीं किया जा सकता है। परिवार में कितने लोग हैं, अपने पीछे कितने लोगों को छोड़कर गए हैं नितिन? जी मैम, परिवार में करीब 4 लोग हैं और पूरा जो माहौल है पूरा गमगीन माहौल है और लोग वहां जो अपने जैसे ही लोगों को पता लगा लोग वहां पहुंचने शुरू भी हो गए हैं, एक पूरा माहौल जो है वो पूरा गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या है कि वो जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो भी धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं उनके फार्म हाउस पे और लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई है। इनका फार्म हाउस किधर है नितिन? 2.5 पीढ़ी के पास में इनका फार्म हाउस है और एक मकान इनका केवल रामगढ़ में भी है और इसके अलावा इनका मकान अलवर शहर में भी है, लेकिन ये अधिकतर ये फार्म हाउस पे ही रहते थे। रामगढ़ में एक कांग्रेस विधायक का चुनाव से पहले चला जाना, हालांकि अभी ये समय तो नहीं है पूछना, लेकिन एक अच्छी खासी पकड़ हो, जब नीतियों को समझ रहे हो, जब समन्वय बैठाने की तरह से कोशिश चल रही हो चुनाव के समय में, इस तरह यूं जाना राजनीतिक पार्टी को धरातल पर कितना लॉस हो सकता है नितिन? मैम लॉस काफी हुआ है और इस तरह से जो एक अच्छे कद के जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के और इस तरह से जो जाना है वो
क्षति पार्टी के लिए भी क्षति है, साथ में क्या है कि लोगों के जो काम आते थे उनको भी काफी दुख हुआ है। और लोगों का कहना यह है कि उनको जब भी हम याद करते थे वो अपने क्षेत्र में आते थे, लोगों की सहायता करते थे, मदद भी करते थे, और जो भी काम हुआ करता था कि वो फार्म हाउस पे बुला के भी करते थे। लेकिन लोगों को जिस तरह से पता लगा कि भाई इस तरह से उनका निधन हो गया है तो लोग काफी वहां पहुंचे हैं। और उसके अलावा वहां पर अभी इस तरह का माहौल है, पूरा भीड़ जो है जुटी हुई है वहां पर मौके पे। बिल्कुल नितिन, अगर कांग्रेस विधायक जुबेर खान की बात कर ले तो हमेशा से ही वो मुखर रहे मुद्दों को लेकर के, हमेशा से ही वो लगातार मुद्दों को उठाते रहते थे, जनता के बीच पहुंचते थे, कार्य करते थे, क्योंकि चुनाव के दौरान भी उनकी सक्रियता देखने को मिली थी। नितिन, आने वाले दिनों में उपचुनाव भी है, जाहिर सी बात है ये बड़ा लॉस होगा इनका जाना। जी, पार्टी के लिए तो लॉस वही है, साथ में अब आने वाले समय में उपचुनाव भी रामगढ़ विधानसभा में होगा। इसके अलावा अभी जब ये वर्तमान में जो विधायक थे तो इन्होंने यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा में बड़े ही क्वेश्चन उठाए थे, बड़े ही उन्होंने यहाँ पर आवाज उठाई थी अपने विधानसभा को लेकर, और साथ में जितने भी अलवर शहर में जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर उन्होंने विधानसभा में काफी आवाज उठाई है, उनका निराकरण भी हुआ है। साथ में वो अपनी विधानसभा का ही ध्यान नहीं रखते थे, इसके अलावा क्या है कि वो अलवर जिले का, अलवर जिले की जो लोगों की जो मांग है, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको क्या है कि विधानसभा में वो उठाते थे। और नितिन, आपको होल्ड कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रताप सिंह खाची आवाज हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। खाची आवाज जी, क्या लग रहा है आपको, यूं अचानक जुबैर खान का जाना कितना बड़ा, कितनी बड़ी दुखद की घड़ी है अभी? देखिए, जुबैर खान साहब मेरे भी मित्र थे और बहुत अच्छे संबंध थे, और ये अचानक जो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये तो भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे तो समझ में नहीं आया। लेकिन वो दोस्तों के दोस्त थे और बहुत प्यारे आदमी थे, बड़े प्यार से बात करना, समझदारी से बात करना, और हर बात पर अच्छे ढंग से बात करते हुए आपसे संबंध निभाना उनको आता था। कैसे संबंध निभाए जाते हैं, कैसे दूसरे की मदद की जाती है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। और उन्होंने राजनीति में भी, आप जानते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो यहाँ तक पहुंचे थे जी। और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये बड़ी दुख की घड़ी है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने यहाँ पे श्री चरणों में स्थान दे, और उनकी जो परिवार है उस परिवार को इस दुख की घड़ी में ताकत दे, संबल दे। और अभी इस वक्त वो मेरे साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, मेरे घर आते रहते थे, मुलाकात होती रहती थी, हम लोग काफी बैठते थे, बातें करते थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अचानक चले जाएंगे, लेकिन ये जानते हैं, ये तो विधि का विधान है, कब किसका नंबर आ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे रहेंगी। प्रताप जी, लिवर ट्रांसप्लांट उनका 1.5 साल पहले हुआ था, और क्या लास्ट मुलाकात में उन्होंने जो है कोई जिक्र किया था अपने तबियत को लेकर के, कब आपकी मुलाकात हुई थी? क्या हाँ, उन्होंने ये सब बातें बताई उन्होंने, लेकिन उसके बाद उनके वो ठीक हो गए थे और सब जगह आने जाने लगे थे, और तो बीमार रहे वो, लेकिन उन्होंने अपने आप, उनकी जज्बा था उनमें और बड़े मजबूत थे मन से, और हर तरीके से वो कहते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लग नहीं रहा था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये तो ऊपर वाले की अपनी सांसें लिखी हुई है, और लेकिन उनका व्यवहार, उनका काम, उनका तरीका और उनका दोस्ती निभाने का तरीका हमेशा याद किया जाएगा। जी प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, और क्योंकि जिस तरह प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस नेता, और उन्होंने किस तरह बताया कि वो दोस्तों के दोस्त थे, जज्बा था, हालांकि डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद वो ज्यादा ज्यादा मत जाएं। नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। नितिन, जुबैर खान जैसे बताया प्रताप सिंह खाचरियावास, अगर आपने सुना हो कि वो दोस्तों के दोस्त थे, हमेशा लोगों से घुलते मिलते थे, जो सरल व्यवहार के थे, डॉक्टरों ने सलाह देने के बाद भी अगर वो इतने एक्टिव थे, उनका जज्बा इतना हाई था, तो फिर आप सोच सकते हो कि नीतियों को लेकर, राजनीति को लेकर वो कितने ज्यादा एक्टिव मोड में रहे होंगे। नितिन, उनका स्टाइल क्या था, पॉलिटिकल स्टाइल अगर हम बात करें तो कैसा था?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जैसे ही उनके जो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था उसके बाद से ही डॉक्टरों ने उन्हें राय दी थी कि आप आराम करिए, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा था वो लोगों की सेवा करना चाहते थे, लोगों की सेवा भी करते थे, विधानसभा में आते थे जाते थे, इसके अलावा और अलवर शहर के लोगों की भी सेवा करते थे, अगर कोई उनसे जाके मिलता था घर पे भी जाके मिलता था, उनकी समस्याओं का निदान भी करवाते थे, और इसके अलावा अपनी विधानसभा में लोगों के उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, और आज उनके विधानसभा के लोगों को जैसे ही पता लगा तो विधानसभा के लोगों में काफी शोक की जो लहर है वो दौड़ पड़ी है, और लोग वहां पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे वहां भीड़ जुटना भी शुरू हो रही है, और साथ में लोगों का कहना है कि जैसे ही वो अपनी विधानसभा में आते थे तो लोगों की भीड़ लग जाती थी, और लोग उनको क्या है कि वहाँ जिनका काम हुआ है उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करने के लिए जाते थे, जिनका काम नहीं हुआ उनको वो अपनी समस्याओं को उनको बताते थे, लेकिन उनके अंदर जज्बा ये था कि वो कभी भी मतलब घर पे नहीं रुके और हमेशा फील्ड में ही अधिकतर रहते थे, इसके अलावा वो बाहर भी दिल्ली भी रहते थे, वहां भी आते जाते रहते थे, यूपी में भी आते जाते रहते थे, सोनिया गांधी जी के भी अच्छे संपर्क में थे, प्रियंका गांधी जी के भी अच्छे संपर्क में थे, इसके अलावा राहुल जी से भी उनके अच्छे संबंध है, और राहुल जी के साथ में उन्होंने चुनाव में भी काफी समय तक रहे हैं, प्रियंका जी के साथ में यूपी के चुनाव में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसके अलावा क्या है कि जैसे ही आज लोगों को पता लगा उसके बाद में लोगों में इस तरह की शोक की लहर है कि लोगों का कहना यह है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनका बिल्कुल नितिन इस तरीके से जुबैर खान का जाना जाहिर सी बात है परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है ही, साथ ही पार्टी के लिए भी और अलवर के रामगढ़ के जो लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से सक्रिय रहे, लोगों के बीच जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका निराकरण करते थे, लोग उनके पास पहुंचते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इन तमाम